रंजली तू यहाँ पे आई है और वो सिंगम दौड़ के उसको मारता है तो क्रिएट नहीं करेगी सीन, तो फिर सिंगम को बहुत गर्मी लग रही है अभी। सिंगम को चिंगम चाहिए, सिंगम को नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी पिला कोई, वो फोड़ के दिखा था, नारियल पानी फोड़ के दिखाऊंगी मैं अपने मुंह पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, बज रहे हैं 7:30 और हम लोग निकल रहे हैं पंजी की तरफ। और रात को पार्किंग का बहुत इशू था ब्रशवुड विला में, तो करण ने मॉर्निंग में आके नीचे कार पार्क कर दी ताकि हमारी कार आराम से निकल जाए। तो अभी हम जा रहे हैं पंजी की ओर, आपको अपडेट देते रहेंगे। सी यू सून गाइस, बाय बाय। रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं, ऑलमोस्ट 1 आवर अभी भी लेफ्ट है हमारा। और हमने एक चीज़ यहाँ पर आके नोटिस की है कि यहाँ चाय की टपरी नहीं है, जैसे गुजरात में हर तीसरे ठेले पे आपको चाय की टपरी ऐसे ऐसे करते मिलती है ना, तो हम चाय ढूंढते हुए जा रहे हैं, हमें कहीं नहीं मिल रही है। और हम लोग मतलब करण कार चलाने में लाइक वो हो रहा है, क्या हो रहा है करण, तो कार चलाने असमर्थ हो रहा है करण, असमर्थ हो रहा है। मैं भी ऑलमोस्ट असमर्थ हूँ, साइड में बैठे बैठे बात करने लायक नहीं है। होप चाय मिल जाए हमको और हम जल्दी जल्दी चर्च पहुंच जाएं। और मैं नाश्ता भी करना है, नाश्ता पेंडिंग है हमारा, तो हम पंजी जाके ही करने वाले हैं नाश्ता। गुजरात में ना आपको एक छोटा सा गांव होता है, वहां पे दो घर मिलेंगे पर एक चाय की टपरी तो मिल ही जाएगी, पर यहां तो वो भी नहीं मिल रहा था। देखते हैं अभी आगे कुछ मिलेगा तो। आई थिंक आई एम मिसिंग खेतलापा, अब ब्रांचेस होती हैं वहां पे कर खेतलापा की। क्या हुआ, क्या खा रहे हैं? हम भाजी पाव खा रहे हैं, मैंने कभी नहीं खाया, पहली बार ही खा रहे हैं। पहुँच गए इमैक्यूलेट ऑफ कंसेप्शन चर्च, जहाँ पे सिम्बा मूवी उसकी शूटिंग हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है वो, वाइट कलर का बहुत ही अमेजिंग है। और आसपास का जो एरिया है ना वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। चर्च बंद है तो ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ तक आप आ सकते हो फर्स्ट फ्लोर पर, नो एंट्री। और यहाँ पे आप लोग कैंडल जला सकते हैं, 50 रुपीज़ में 6 कैंडल्स मिलते हैं, तो वो आप जला सकते हैं। कुछ ज़्यादा है नहीं तो आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कोविड की वजह से बंद है, मैंने पूछा, अभी तक पता नहीं कब ओपन होगा। सो आप आ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, तो मेक श्योर आप ऑनलाइन एक बार चेक करके आओ कि वेदर इज ओपन और नॉट। ज़्यादा स्टाइल जहाँ पे सिम्बा मूवी की शूटिंग हुई थी और सारा अली खान है वो बैठी होती है, पढ़ाती होती है, एंड दिस इज द चर्च। सो अभी हमारा चर्च देख के ख़त्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं फोन पे। बंद था, कुछ नहीं चर्च बंद था, उसमें कुछ नहीं था, तो 10 मिनट ही आपको फोटोज वीडियोज क्लिक करके आप निकल सकते हो। अब जा रहे हैं फोंटेनास, जो कि गोवा का बहुत फेमस प्लेस है, आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है या नहीं, जहाँ पे वो कलर कलर के हाउसेज है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे आपने फोटोज देखे होंगे, डिफरेंट कलर के ओल्ड हाउसेज है, तो वहाँ पे जा रहे हैं फोटोज क्लिक करने के लिए। ऑफकोर्स देखते हैं कौन सी प्लेस है। और बाय द वे वो चर्च से सिर्फ 500 मीटर्स की दूरी पे ही है, तो आप वॉक करके जा सकते हैं जैसे कि हम जा रहे हैं। अगर आप फाउंटेना ढूंढ रहे हो तो चर्च वाले रास्ते से यहाँ से सीधा आना है, ये पतंजलि वाला बोर्ड है उसी लाइन में अंदर चले जाओ एंड लेफ्ट टर्न, तो वो आ जाएगा। हम लोग वहाँ चले गए गलती से, वहाँ पे भी ऐसे ग्रीन और येलो और वो सब घर है। आई थिंक दिस इज द मेन स्ट्रीट।
दो ग्रुप थे वो वहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे थे, पता नहीं क्या टिकटॉक बना रहे थे। ऊपर से एक बेचारा आदमी था, वो चिल्ला यू ब्लडी टूरिस्ट यहाँ पे आके शोर मचा रहा हल्ला मचा रहा का सुबह से कर रहे हो या फिर डोंट कम हियर यू टूरिस्ट। एक्चुअली नहीं, काफी वो बिल्डिंग्स के लिखा है नो फोटो नो वीडियोस बिकॉज़ लोग इतना शोर और वो मचाते हैं तो उनका भी प्राइवेसी। ऑफ कोर्स मेरे घर के नीचे चिल्ला गया घंटा तो मैं भी गुस्सा ही करूंगी ना, इसीलिए ये लोग चिल्ला रहे थे, इसलिए चुपचाप सामने वीडियो निकाला, दो फोटो दूर जाके खींच लिए फिर आ गए, क्योंकि हम लोग वहां दीवार पे जाके फोटो नहीं खींचना चाहते, सर थोड़ी सी प्राइवेसी रख के, किसी का घर है यहाँ पे रह रहे हो और आप मतलब वो लोग कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे, यहाँ पे आ जाओ ये करो ऐसा करो ऐसा नहीं कर रहे थे, चुपचाप फोटोज़ क्लिक करके निकल जाओ, उनको भी अच्छा ही लगेगा, बट वो कुछ ज़्यादा ही शोर मचा रहे थे। सो आप लोग आ रहे तो प्लीज़ मेंटेन सम साइलेंस, और बाकी तो ठीक है, मतलब जो फोटो में दिख रहा था इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा ही कलर करके दिखाया था, बट है अच्छा है, कलरफुल ही है काफी। गोवा में आपको समझेगा आधी जगह पैसे घर मिलेंगे, तो अगर आप गूगल से फोटोज देखे तो उससे बच जाए, बिकॉज इतनी एडिटिंग है, मेरे को लगा पेंट करके लगाया है वहाँ पर और काफी कलर उतरा हुआ, फेडेड बिल्डिंग्स है मतलब फिलहाल। ठीक है, आप आईफोन से देखा अच्छी फोटो आ रही है, मैं भी एडिट करके डालूंगी अब। तो दो प्लेसेस हमारी ओल्ड गोवा मतलब पंजिम में कवर हो गई है, अब दो प्लेसेस बाकी है, एक है बेसिलिका बॉम जीसस चर्च, सॉरी अगर मैं प्रनाउंस कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ, और एक डोना पोला जेटी है जहाँ पे सिंगम की शूटिंग हुई थी, तो वो चीज़ें हम लोग देखने जा रहे हैं अभी, थोड़ा होटल ढूंढते हैं, फ्रेश होते हैं फिर निकलते हैं। अंजलि कहाँ पे आए हम लोग? हम आए हैं सिंगम। क्या बोला था तूने? वेलकम टू गोवा सिंगम। क्या वेलकम टू गोवा सिंगम। हम लोग आए हैं वही सीन है, ये वही सीन है जहाँ पर वो सिंगम ऐसा गोल गोल घुमा के उखाड़ देते हैं। हाँ, वो उखाड़ा हुआ पंप भी आपको दिखाएंगे। पंप नहीं था, लाइट बल्ब। लाइट बल्ब था, डोना पोला जेटी नाम। नहीं, ये भी था। फिर वो गाड़ी से भी तेज भागता है, ऐसे ऐसे पंच पंजा मारता है। हाँ, वो अंजलि पूरा रिक्रिएट करेगी सीन। यहाँ पे आई है वो सिंगम दौड़ के उसको मारता है, तो क्रिएट नहीं करेगी सीन, तो फिर सिंगम को बहुत गर्मी लग रही है अभी। सिंगम को चिंगम चाहिए। सिंगम को नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी पिला कोई, वो फोड़ के दिखाया था, नारियल पानी फोड़ के दिखाऊंगी मैं अपने मुंह पे। जो सिंगम ने तोड़ दिया ना उसके बाद नया बना। सिंगम दौड़ के गया था, उसकी पूरी इफेक्ट आई यहाँ पे, तो तब से वो बनी रहा है। तो अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे जा नहीं सकते, पर काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग है यहाँ पे। ये सब बंद है क्या? मैं कभी ना हूँ। पता है ये सब बंद है। ये देख सिंगम के पैरों के निशान। हमने तीन जगह विजिट की, उसमें से दो बंद है और एक में से निकाल दिया गया, जहाँ पे वो कलर वाले फोटोज खींच रहे थे हम लोग। हम लोग पहुंच गए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, और यहाँ पे पार्किंग है, पेड पार्किंग है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है 100 मीटर, अंदर जाके देखते कितना शूट करने दे रहे हैं नहीं। तो ये ओल्ड गोवा में है, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हमने रखा था 200 रुपीज में गाइड, विच विल टेक अराउंड 30 मिनट्स ऑफ बैटरी, और जिसकी इंग्लिश हमसे भी अच्छी थी। नहीं, पर वो तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गोवा है, बट ठीक है, बट वो ऐसे क्योंकि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट आते हैं बीच बीच में, जो वर्ड्स और पुर्तगीज वगैरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, क्योंकि हमें इतना पता नहीं है ना क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो उसमें गॉड्स भी तो डिफरेंट होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे थे। और सेंट जेवियर की जो बॉडी है वो यहाँ पर रखी, और हर 10 साल में वो लोग वो डिस्प्ले पर रखते हैं, और नेक्स्ट 2024 में
नवंबर से लेकर जनवरी तक, तो आप अगर आ रहे हैं 2024 में, आपको बॉडी देखनी है कैसी हालत में क्या है, तो यू कैन कम इन 2024 इन नवंबर टू जनवरी यहाँ मूव करते हैं। और सामने जो वाइट चर्च है वहाँ पे वो मूव करके डिस्प्ले पे रखेंगे, तो काफ़ी सारी हिस्ट्री है, तो मेक श्योर कि अब यहाँ पे आ रहे हो 30 मिनट्स का टाइम लगेगा, 200 रुपीज है, वर्थ इट है। आई थिंक हिस्ट्री लेनी चाहिए बिकॉज हमें नहीं पता, हम गोवा घूम रहे बीचेस वीचेस, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कैसे स्टार्ट हुआ गोवा। दूसरा क्या कि अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, पर काफ़ी बड़ा है अंदर से, तो काफ़ी लोग डांट खा रहे हैं अंदर, फोटो वीडियो शूट कर रहे हैं, परमिशन नहीं, फिर भी रिलीजियस प्लेस है ना एक्चुअली, ऐसा मत करिए अंदर जा रहे हैं, देख लीजिए अंदर से, हम आपको दिखा नहीं सकते। सो दिस इज द चर्च, अभी बज रहे हैं 1:10 और हमारी फ़्लाइट कुछ 8:40 की है, तो मैं 6:40 तक पहुँच रहा एयरपोर्ट पे और हमारी सारी प्लेसेस कवर हो चुकी है, मुझे लगा चार प्लेसेस सारी प्लेसेस कवर हो गई, ऑलमोस्ट नहीं हो ही गई ना, चार ही तो थी, चार कर ली, अब पंजिम में और कुछ नहीं बचा देखने को, आप हमें थका हुआ देख सकते हैं और मरा हुआ देख सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी अभी तो मस्त जा रही, भूख भी लग रही है, हाँ अभी तो मस्त पेड़ के नीचे बैठे हैं हम लोग, हवा ले रहे हैं, बेंच एक मिल गई है और वहीं अभी भी इस चर्च के बाहर ही रुके हुए हैं, सोचा कि आधा घंटा यहाँ बैठते हैं आराम करते हैं, फिर हम लोग खाना खाने के लिए निकलेंगे और खाना खा के फिर वहाँ से एयरपोर्ट चले जाएंगे, फिर बैग्स तो हमारी हमारे कार में ही है और पता नहीं अब क्या करेंगे, तो बैठे हैं यहाँ आराम से, अपने घर बुला सकता है तो चलेगा कोई हमारा फ्रेंड भी नहीं है जो यहाँ पर रहता है ओल्ड गोवा में, अदरवाइज मिल भी आते हम लोग उसे, पर कोई नहीं बैठे हैं यही है, क्योंकि हमें लगा था कि चार प्लेसेस है तो एक घंटा आधा आधा घंटा गिनेंगे तो भी 3-4 घंटे हो जाएंगे, बट दो तो बंद ही थी, तीसरी में तो 10 मिनट लगा, मतलब पंजिम तो आई थिंक आधे दिन में कवर कर सकते हैं, आधे दिन में कवर कर सकते हैं, पर ठीक है और गर्मी बहुत है ना इसलिए एक प्लेस पे इतना ज़्यादा रुका भी नहीं था, अभी यहाँ पे हवा चल रही है, बैठे आराम से, जैसे तू कुछ पहले स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में कर वो बोलता था ना कूल बोलता था ना, ये चिल बोलता था, चिल कर रहे हैं अभी इस पूरे गोवा के लोग, गर्मी 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 करी हमने, कितनी बार गर्मी करी है पता नहीं, हमको चिल नहीं कर रहे, बैठे आराम से बस हवा ले रहे, जहाँ पेड़ मिले वहाँ बैठ जाइए। फाइनली हम लोग पहुंच गए अहमदाबाद और आशु आया हमें लेने, यो थैंक यू आशु, आया तो छोड़ने लेने, और छोड़ने भी आशु आया था और ये रही पीछे अंजलि, यो आधी जिंदा आधी मरी हुई, मरी हुई हूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, दैट्स इट फॉर द गोवा सीरीज, अगर ये सीरीज आपको पसंद आए देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट व्लॉग लाए हो हमें पता नहीं अब कहाँ जाने वाले हैं उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले, एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय दाशु, बाय बाय बाय।